अभी हम लोग जा रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं लोग इतनी संख्या में? हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग अकाली दल से और कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। अगर कांग्रेस अच्छा काम करती, अकाली दल अच्छा काम करते, बादल ईमानदारी से काम करते, बादल पंजाब में नशा ना करके लोगों का विकास करते, आज आम आदमी पार्टी की रैली में एक भी आदमी नहीं आता अगर बादल अच्छा काम करते। लोग बादलों से और कैप्टन से इतने परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि आज लोगों को केवल आम आदमी पार्टी के अंदर उम्मीद नजर आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इन दोनों पार्टियों को बदलना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, हम बहुत छोटे लोग हैं, आम आदमी की तरह हैं, आप ही में से हैं। कुछ साल पहले तक हमने जिंदगी में नहीं सोचा था पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब देखा इन सारी पार्टियों ने मिलके रली भी नहीं है, ये सारी पार्टियां दोस्ती है इन सारी पार्टियों के अंदर, इन सारी पार्टियों ने मिलके देश को लूट लिया, तो कोई चारा नहीं बचा राजनीति में आने के सिवा। पिछले 15 साल में कैप्टन ने और बादलों ने दोनों ने मिलके पंजाब को लूट लिया। दोनों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल। 5 साल कांग्रेस लूटेगी, 5 साल अकाली दल लूटेगा। एक बार जब कांग्रेस लूटेगी, अकाली दल के खिलाफ कोई केस नहीं करेगी। जब बादल लूटेंगे, कैप्टन के खिलाफ कोई केस नहीं करेगी। 2002 में कैप्टन पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मेरे को लोग बताते हैं, जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं, उनके पास बहुत दौलत थी पहले, लेकिन धीरे धीरे कैप्टन साहब की सारी दौलत खत्म हो गई। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के पहले कैप्टन साहब का दिवालिया निकल गया था। लोग बताते हैं अपने घर की पुताई करने के पैसे नहीं बचे थे कैप्टन साहब के पास, उनकी कुर्की होने वाली थी, बिल्कुल खत्म हो गया था उनका पैसा। मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 2005 में कैप्टन साहब के परिवार वालों ने स्विस बैंकों में अपने खाते खुलवा लिए। स्विस बैंकों में कौन खुलवाता है खाते? स्विस बैंकों में वो लोग खुलवाते हैं खाते जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं, जिनके पास खूब काला धन होता है, जिनके पास खूब भ्रष्टाचार का पैसा होता है। 3 साल में कैप्टन साहब के पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि उन्होंने स्विस बैंकों के अंदर खाते खुलवा लिए। कहां से आया इतना पैसा? मोदी जी कहते हैं हम काला धन निकाल रहे हैं, काला धन लेके आएंगे। मोदी जी के पास आईबी है, सीबीआई है, रॉ है, पुलिस है, सेना है, सारी एजेंसियां हैं मोदी जी के पास। वो कैप्टन साहब के स्विस बैंक के अकाउंट नहीं पता कर पाए। आज मैं लेके आया हूं कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते, आपके सामने रखूंगा अभी सारे उनके खाते। अगर हिम्मत है तो मोदी जी वहां से ले आए उनका अकाउंट।
पंजाब 90 18 44 85। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कैप्टन साहब को मैं चैलेंज करता हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा कर दो, कोर्ट के अंदर साबित कर दूंगा मैं ये कैप्टन साहब के खिलाफ। रणिंदर सिंह कैप्टन साहब का बेटा, उसने भी अकाउंट खुलवाया, उसका अकाउंट नंबर है 95 18 44 84। इन दोनों मां बेटे ने मिलके एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने भी अकाउंट खुलवाया 95 28 44 83। इन्होंने 3 बैंक अकाउंट खुलवाए, मैंने इनके बैंक अकाउंट भी देखे हैं। जब तक कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, हर महीने उस अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो रहे हैं। 2005 से 2007 तक, 2 साल तक जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे, हर महीने अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो रहे हैं। कहां से आए ये पैसे कैप्टन साहब के पास? किसका पैसा था ये? कैप्टन साहब का पैसा नहीं था, उनके परिवार का पैसा नहीं था, ये आप लोगों का पैसा था, पंजाब के लोगों का पैसा था, जनता का पैसा था, पंजाबियों का पैसा था, जो कैप्टन साहब ने लूट लूट के स्विस बैंकों के अंदर डाला है। 2007 में बादलों की बारी आई, 10 साल से बादलों का राज है, 10 साल के अंदर बादलों ने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चूस लिया बादलों ने पंजाब को, हर चीज में लूट लिया बादलों ने, रेती बजरी के सारे ठेके ले लिए, सारे बसों के परमिट ले लिए, सारे केबल टीवी के पर वो ले लिए, सारे होटल ले लिए, सड़कें, सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। लेकिन सबसे गंदा काम बादलों ने किया, घर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं नशे के लिए। भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा, 7 जन्म तक बादलों को माफ नहीं करेगा। मोदी जी कहते हैं काला धन काला धन काला धन, लाइनों में लगा रखे हैं मोदी जी ने आदमी, किसान लाइनों में लगे हैं, मजदूर लाइनों में लगे हैं। मोदी जी को किसानों के घर में काला धन दिखता है, मोदी जी को बादलों के घरों में काला धन नहीं दिखता। अंधे हो गए हैं मोदी जी, उनको बादलों के घरों में काला धन नहीं दिखता, उनको कैप्टन के घर में काला धन नहीं दिखता, उनको किसानों के, व्यापारियों के, मजदूरों के घरों में काला धन दिखता है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आज मैंने अकाउंट नंबर भी बता दिए, और बादलों का काला धन पूछना है पंजाब की जनता से पूछ लो, पंजाब की जनता को बादलों का सारा काला धन पता है। 2 महीने में मोदी जी या तो आप इनका काला धन निकाल लो, नहीं तो 2 महीने के बाद पंजाब की जनता सत्ता में आने वाली है, पंजाब की जनता बादलों का और कैप्टन का सारा काला धन निकालेगी, सारा इनका काला धन निकाल के स्विस बैंकों से पैसा वापस लाके पंजाब में अस्पताल बनवाएंगे, पंजाब में स्कूल बनवाएंगे इनके काले धन से। और इस बार ये लोग रल मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों कैप्टन और बादल रल मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। बादलों को पता है जनता उनसे बहुत नाराज है, तो बादल अपना सारा पैसा कैप्टन के ऊपर लगा रहे हैं। जो चारों तरफ आप लोग कैप्टन साहब के इतने बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे हो ना, ये आधे से ज्यादा होर्डिंग बादलों ने लगवाए हैं कैप्टन साहब के। दोनों रंग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब के ये स्विस बैंक के बैंक अकाउंट मेरे पास हैं, बादलों के पास भी होंगे? 10 साल हो गए बादलों की सरकार बने हुए, उन्होंने कैप्टन साहब को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा? कैप्टन साहब को क्यों बचा रहे हैं बादल? 1 महीने पहले अभी बादलों ने कैप्टन साहब के खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे
बाद उन्होंने सारे केस बंद कर दिए होंगे कि ना। क्या रिश्ता है जी बादलों का और कैप्टन साहब का? 3 महीने में बादलों की सरकार जा रही है, जाने से पहले बादलों ने कैप्टन साहब के सारे मर्च बंद कर दिए, सारे केस बंद कर दिए। कल मेरे को आंगनबाड़ी वर्कर मिली थी, बोली जी हम लोग धरने पे बैठे थे, बादलों ने हमारे ऊपर डंडे चलवाए, हमारे ऊपर फर्जी कर पर्चे कर दिए। बादलों ने आंगनबाड़ी वर्करों के पर्चे वापस नहीं लिए, हमारे लड़के लड़कियों के ऊपर बादलों ने इतने फर्जी पर्चे कर रखे हैं, वो पर्चे वापस नहीं लिए। बेरोजगार लोगों के ऊपर बादलों ने इतने फर्जी पर्चे कर रखे हैं, उनके पर्चे वापस नहीं लिए। कैप्टन साहब के पर्चे सारे वापस ले लिए बादलों ने। क्या रिश्ता है दोनों के अंदर? 2 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, कांग्रेस के पास सीबीआई थी, ईडी थी, सारी एजेंसी कांग्रेस के अंदर में थी। 10 साल से मजीद लिया पंजाब के अंदर नशे का धंधा कर रहा है, कांग्रेस ने मजीठिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कर सकती थी कांग्रेस, कांग्रेस ने मजीठिया को बचाया, बादलों ने कैप्टन को बचाया। दोनों एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं भाई साहब, और अब इन दोनों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आ गई तो इन दोनों पार्टी के नेताओं को जेल भेजेगी। अभी 4 महीने पहले मैं ऐसे ही सभा लेट कर रहा था, सभा में मैंने कहा कि पंजाब में मजीठिया नशे का धंधा करता है, मजीठिया ने मेरे खिलाफ भी पर्चा कर दिया, संजय सिंह के खिलाफ भी पर्चा कर दिया, आशीष खेतान के खिलाफ भी पर्चा कर दिया। हर महीने मेरी पेशी हो रही है अमृतसर की अदालत में, हर महीने मैं दिल्ली से आता हूं अमृतसर की अदालत में जाता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं मजीठिए, तेरे को लगता है कि मैं तेरे पर्चे से डर जाऊंगा? तेरे पर्चे से डरने वाला नहीं हूं, मैं फाड़ के फेंकता हूं तेरा पर्चा, अपने घर में रख दो अपना पर्चा। और मैंने 4 महीने पहले बोला था मजीठिए, 6 महीने रह गए थे चुनाव में, 6 महीने रह गए, इन 6 महीने में या तो तुम मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने के बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं 2 ही महीने रह गए अब चुनाव के, 2 महीने में या तो मजीठिया हमें गिरफ्तार कर देगा, नहीं तो यह सारी पंजाब की जनता आ रही है, सारे जने चलेंगे मजीठिए के घर, उसके घर से उसकी कॉलर पकड़ के लाएंगे और उसको जेल के अंदर डालेंगे। लोग लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। एक आम आदमी पार्टी बनी, हम सब लोगों ने मिलकर बनाई, हम सब लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारे पास ना पैसा था ना आदमी थे, कुछ नहीं था हमारे पास, सारे जने मजाक उड़ाते थे हमारा, अरे इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। 1 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई, 70 में से 67 सीट। पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी सीट किसी को नहीं मिली, पूरी दुनिया में 70 में से 67 सीट, ये कोई इंसानी काम नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले का करिश्मा है, वाहेगुरु का करिश्मा है, रब का करिश्मा है। जब आप सच्चाई के रास्ते में चलते हो तो सारी कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं, सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई, पिछले 1.5 साल से दिल्ली के अंदर खूब काम कर रहे हैं हम लोग, खूब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम किया दिल्ली में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक भी मंत्री के खिलाफ मेरे पास शिकायत आती है, एक दिन मेरे पास एक एसएमएस आया किसी का, बोला जी आपका मंत्री पैसे मांग रहा है, 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। 6 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं होते,
बोला जी 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा जी सबूत भेजो। उसने एक रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें वो 6 लाख रुपए मांग रहा था। अभी विपक्ष वालों को, दूसरी पार्टी वालों को नहीं पता था, मीडिया वालों को नहीं पता था। 1 घंटे के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया, सीबीआई को सौंप दिया, उसको जेल भेज दिया। मर जाएंगे, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी से समझौता नहीं होगा, सच्चाई से समझौता नहीं होगा। इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं। अभी दिल्ली में एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बनना था, 200 करोड़ के अंदर हमने पूरा कर दिया। कभी सुना है इसे? पंजाब में 300 करोड़ का पुल बनना हो तो 3000 करोड़ का बनता है। सारा पैसा खा जाते हैं ये नेता और अफसर मिलके, अकाली दल वाले और कांग्रेस वाले मिलके। दिल्ली में 300 करोड़ का पुल बनना था, 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। ऐसे 5 पुल बनाए हैं पिछले 1 साल में, 350 करोड़ रुपए बचा लिए 5 पुलों के अंदर, 350 करोड़। फिर हमने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, हमने पूछा भाई अब 350 करोड़ का क्या करना है, तो हमने निर्णय लिया दिल्ली के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सारे ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। अब अपने को पंजाब में भी ऐसे ही करना है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं, केजरीवाल जी आप इतने बड़े बड़े वादे करते हो, पैसा कहां से आएगा? भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा आएगा। मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र भी बहुत कम है, आप लोगों के पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन 1-1.5 साल जो मैं मुख्यमंत्री रहा, एक चीज मैंने सीखी है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम हो सकते हैं जी। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल भी ठीक करे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, लड़कियों के टॉयलेट नहीं थे, किसी लड़की को टॉयलेट जाना हो बेचारी घर जाया करती थी, टॉयलेट नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सफाई नहीं थी। हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर सारी सुविधाएं दी हैं। पहले कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था, प्राइवेट स्कूल में भेजा करता था। अब दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। और अब जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं उनमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल होते हैं, लिफ्टें होती हैं? अमीरों के बच्चों को उतनी चीजें नहीं मिल रही जितनी गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर। इनका इलाज करवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है, हजार
नशे के अंदर डूब गए हैं, मरीज हो गए हैं। इसके लिए भी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। पूरे पंजाब के अंदर खूब सारे क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, बाहर से डॉक्टर मंगवाने पड़ेंगे और 6 महीने के अंदर अपने सारे बच्चों का इलाज करा के नशे से बाहर कर देंगे। दोस्तों 6 महीने के अंदर पंजाब से भ्रष्टाचार दूर करना है। आज किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ पंजाब में, कहीं बिना पैसे के काम नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा, कहीं बिना पैसे के काम नहीं होता, हर जगह पैसे देने पड़ते हैं, हर काम में कट लगता है। इसका भी पूरा नक्शा तैयार कर लिया। जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर किया है, वैसे ही मिलकर पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इन्होंने अपने सारे ठेके, रेती बजरी के ठेके आधे कांग्रेस वालों ने ले रखे हैं, आधे बादलों ने और उनके परिवार वालों ने ले रखे हैं। इनके सारे रेती बजरी के ठेके बंद करेंगे और जनता के अंदर बांटेंगे सारे रेती बजरी के ठेके, बेरोजगारों को देंगे सारे रेती बजरी। इनके बसों के परमिट बंद करेंगे, जनता में बांटेंगे बसों के परमिट, जनता को देंगे बसों के परमिट। दलितों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। मैं बाहर गया था, कई जगह गया था, कई जगह ऐसी वारदातें हैं, दलितों के हाथ पैर काट के उनको मार दिया गया। पिछले 10 साल के अंदर जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, SIT बनाएंगे, उन सारे मुकदमों को दोबारा खोलेंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे और जिसने भी अन्याय किया था उसको जेल भेजा जाएगा। दलितों के जमीनों के मामले हैं, गांव गांव के अंदर पिंडों में उनकी जमीनें अमीर लोग ले लेते हैं, गलत लोग ले लेते हैं, उनको उनका हक दिलवाया जाएगा। जो हक उनके कानून में लिखे हैं वो दलितों को उनको हक दिलवाया जाएगा। बरगाड़ी के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई। गुरु ग्रंथ साहब केवल सिख धर्म के लिए सम्मानित नहीं है, सारे इंसानियत के लोग, सारे धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग गुरु ग्रंथ साहब जी की इज्जत करते हैं। बादल कहते हैं कि वो पंथिक पार्टी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी तक जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करी थी वो पकड़े क्यों नहीं गए? क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? वो पंथिक पार्टी है तो उन्हें अभी तक पकड़ के सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए थी, क्यों नहीं पकड़े उन्होंने? तो मन में शक होता है, कहीं इन्होंने ही तो नहीं करवाया था। गलत तो नहीं कह रहे जी, मन में शक पैदा होता है, इन्होंने ही तो नहीं करवाया था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन लोगों ने जरूरत की है गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने की, उनको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाएंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे कि आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा गुरु ग्रंथ साहब जी की। अभी थोड़े दिन पहले संत बाबा जी डकिया वाले के ऊपर हमला हुआ, बड़ी शर्म की बात है। जिस राज्य की सरकार अपने संतों की रक्षा नहीं कर सकती, वो आम आदमी की रक्षा क्या करेगी? और उनके ऊपर भी जिन्होंने हमला किया, अभी तक वो लोग भी नहीं पकड़े गए। 2-4 ऐसे गहरे लोग पकड़ लिए, वो लोग भी नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? फिर मन में शक पैदा होता है, कहीं इन्होंने तो नहीं कराया था। गलत तो नहीं कह रहा, मन में शक पैदा होता है, इन्होंने तो नहीं कराया था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन लोगों ने हमला किया था संत साहब के ऊपर, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा उसके बाद किसी संत के ऊपर हमला करने के। मेरे पास कल आंगनबाड़ी वर्कर आए थे, आज आशा वर्कर आए थे, उनकी जितनी भी मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं, उनकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी। दिल्ली के अंदर भी जितने ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे थे, उन सारे कर्मचारियों को पक्का करने का हमने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर भी कैबिनेट ने निर्णय ले लिया, पंजाब के अंदर भी जितने टीचर, जितने कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा, उन सबको पक्का करने का काम शुरू किया जाएगा।
एक नया पंजाब बनाना है। ये कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, रोज मोदी जी से लड़ता रहता है। अगर यहां पे इनकी सरकार बन गई तो केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी पंजाब की, इससे पंजाब को घाटा होगा। भाई साहब मैं कहना चाहता हूं, 2 साल हो गए मोदी जी की सरकार बने हुए, 2 साल में बादलों ने मोदी जी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोज जाते हैं, हर रोज हर हफ्ते बाद चमची मारने जाते हैं, चमची मार मार के एक नया पैसा बता दो, एक नया पैसा लेके नहीं आए बादल 2 साल में मोदी जी से। पंजाब के लिए एक नया पैसा लेके नहीं आए 2.5 साल में मोदी जी से। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा, पैरों में भी पड़ जाएंगे। लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा तो लड़ना भी आता है, लड़ के अपना हक ले लेंगे। मोदी जी को जाके बोल देंगे, मोदी जी साडा हक, साडा हक। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली देश के अंदर दिल्ली में थी, सबसे महंगी बिजली थी दिल्ली में। आज 1.5 साल के बाद सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, सबसे सस्ती। कैसे किया हमने? मोदी जी करने नहीं दे रहे थे, पहले मोदी जी के हाथ जोड़े, पैर पकड़े। जब मोदी जी नहीं माने तो मोदी जी से लड़ लड़ के बिजली सस्ती कराने, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। हमें पैर भी पकड़ने आते हैं और लड़ना भी आता है। उनकी जेब से छीन के ले आएंगे पंजाब का हक, लेकिन पंजाब का हक नहीं बनने देंगे। यह धर्म युद्ध है, सच्चाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। बालों के पास सब कुछ है, कैप्टन के पास सब कुछ है, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पैसा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम पक्कड़ है जी, बिल्कुल। मेरी जेब में भी पैसा नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं है, हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं है। यह चुनाव आपको लड़ना है, यह आपका चुनाव है, यह केजरीवाल का चुनाव नहीं है, यह भगवंत मान का चुनाव नहीं है। हमारे पास एक ही चीज है, जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई, कौरवों के पास सब कुछ था, सारी सत्ता थी, सेना थी, पैसा था। पांडवों के पास क्या था? कृष्ण भगवान थे। हमारे पास केवल, उनके पास सब कुछ है, सत्ता है, पैसा है, तंत्र है, पुलिस है, सब कुछ है उनके पास, बादलों के पास और कैप्टन के पास। हमारे साथ केवल बाह्य गुरु है, रब है, भगवान हमारे साथ, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये लड़ाई आपको लड़नी है, आप लोगों को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, एक एक आदमी को आज यहां से कसम खाके जानी पड़ेगी, एक एक आदमी को कसम खानी पड़ेगी कि 100-100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करेंगे, 100-100 लोगों को झाड़ू पे बटन दबाने के लिए तैयार करेंगे। मंजूर है? जिन जिन को कसम खानी है हाथ खड़ा करें, मंजूर है? और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े किया उनको 200-200 वोट तैयार करें। दो महीने के बाद अब चुनाव है, अकाली दल वाले आएंगे, पैसे देने आएंगे, आते हैं ना पैसे देने सारी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले भी आएंगे, पैसे देने आएंगे। मना मत करना, ले लेना, अपना ही पैसा है, लूट रखा है इन्होंने, तीनों पार्टियों से ले लेना और नए नोट लेना, पुराने वाले मत लेना। और 5,000 रुपए दे तो कहना जी 10,000 लगेंगे, इस बार महंगाई हो गई है। पैसे तीनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट झाड़ू से, इस बार धोखा देंगे हम इन लोगों को। 15 साल से इन्होंने जनता को धोखा दिया है, इस बार पैसे तीनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट। पिछली बार लोकसभा चुनाव में यहां से महारानी जी खड़ी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना आम आदमी बड़ा ताकतवर।
जनतंत्र के अंदर सारी ताकत आपके अंदर है। पिछली बार यहीं से यहां की जनता ने आप लोगों ने महारानी को हरा के आम आदमी को जिताया था, आम आदमी पार्टी को जिताया था आप लोगों ने। इस बार महाराजा को हराना है आप लोगों को, महाराजा को हराने की बारी है। हराएंगे कि नहीं हराएंगे? इस बार महाराजा को हराने की बारी है। और यहां से डॉक्टर बलबीर सिंह जो कि बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह, उनसे मैं निवेदन करता हूं, मैं सारी संगत के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि डॉक्टर बलबीर सिंह महाराजा जी के सामने, कैप्टन साहब के सामने चुनाव लड़े मंजूर है। बलबीर सिंह जी आप अपना प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? दीक्षित हानी है।